नमस्कार, जय जगन्नाथ। मुतस्मिता आपण माने को स्वागत करी छी मोर YouTube चैनल डाउन टू द अर्थ को। दूर देश रे व्यापार करी बणिक तांका उपार्जन को सुनारे परिणत करी घर को फेरुथिले। सांगरे थिला तांका विश्वस्त भृत्य। दीर्घ पथ अतिक्रम करबा को हेबे तेबे घरे पहुँचा को विशेष विलंब ना। वर्षा जो सेने गोटाए चटी घरे अटकी गले। से मझी राति बणिक हठात छाती रे भीषण जंत्रणा अनुभव कले और बुझीपारे प्राणवायु उड़ीजा को उद्यत। से भृत्य को कहिले, देख सूर्यास्त पूर्वर मु पृथ्वी विदाय नहीं थी। तते मुझे जो निर्देश देवी तू ता पालन करू। यही शपथ कर। भृत्य शपथ कला। बणिक ताकु कहिले, मोर गोटे मात्र संतान से नाबालक। ए सुनातक वर्तमान ता हाथ में पड़ा अनुचित। मो स्त्री अत्यंत निरीह। सुना तांकठाउ अन्य माने ठकी नेबे। तू सुना बाक्सटी पाख बणरे गोटाए गात करी पोती देबु। तापर घर को जाई जाति कुटुंब को मो मृत्यु संवाद देबु। से माने आसी मो मृत कलेबर नहीं जाई सत्कार करिबे। मो स्त्री और पुओ को गोपन रे पोता सुना कथा कहिबे, किंतु संगे संगे एक भी जणाई देबु जे पुओ साबालक न होबा जाए से बीतता को समर्पण करिबा चलिबो नाही। मोर ए निषेधाज्ञ बलवत्तर रहिबो। अल्प समय पर बणिक शेष निश्वास त्याग कले। भृत्य कांदि कांदि चटीघर मालिक हेफाजत शब छाड़ी बाक्सटी धरी चलला। चटीघर एवं सेमानक गाँ मझीरे बण गोटाए प्रकांड शिलाखंड पाखरे माटी खोली बाक्सटी पोतिला। तापर गाँ को जाई बणिकंक घरे एवं जाति कुटुंबक पाखरे खाउंदर मृत्यु संवाद देला। गाँ लोके जाई शब आणी सत्कार कले। बणिकंक स्त्री एवं नाबालक पुत्र को नृत्य सुजोग पाइबा मात्रे पोता धन कथा एवं बणिकता को कराई नहीं शपथ वृत्तांत कहिला। दिन बीतीगला। अवशेष बणिकंक पुत्र साबालक हेले। दिने भृत्य तांकू कहिला, कुमार मु तो बुढ़ा हेलिनि केबे खसीजीबी ठीक ना। एबे यथाशीघ्र तुमको से पोताधन हस्तांतर करदेले निश्चित हेबी। बेस ताहा ही हेउ, तरुणा कहिले। रातिर जह्न आलुओ बेस परिष्कार थाए। दुहे बण भितरकू चलिले। हठात गोटाए स्थान अटकी गला भृत्य। तरुण आड़े कटमट अनाई कहिला, कौन तोर उद्देश्य? मो पछे पछे चलुछु कहीं मत कौन मन करिछु? जा पड़ा कहुची। ओबाक होई बणिक पुत्र किसी समय ठिया होई घर मुहा फेरिला। देखिबा बेलकु भृत्य ताकु चुपचाप अनुसरण करुछि। किछि दिन गला। पुनर्बार एक जन्मराती रे भृत्यटी प्रस्ताव देले, बणकु जाई पोताधन नेई आसिले भल हेब। तरुण ताकु अनुसरण कले। बण भितरे किंतु पुनर्बार भृत्य सते बा आत्मविस्तृत होई पूर्वथर भळी कड़ा कड़ा कथा कहि तरुणकु आचंबित कला। तरुण फेरिले। परे परे से मध्य फेरिला। यार पुनरावृत्ति हेला आउ एक जह्नराती रे। एथर तरुण पोताधन पाइबार आशा छाड़ीदे। बणिकंक पत्नी सेतेबेले ताकु कहिले, पुओ तो बापांकर जने विशेष बंधु सहर रे अछंती। जने प्रवीण ज्ञानीगुणी भावरे राजा मध्य तांको सम्मान दियंती। तो बापा कोनसी जटिल समस्या रे पड़िले तांको सह परामर्श करिथंती। तू थरे जाई तांको देखा कर। तरुण ताहा ही कले। पितृबंधु तरुण को देखी बहुत आनंदित हेले। भृत्यर अस्वाभाविक आचरण कथा वर्णना कर सारी तरुण कहिले, मुझे पोताधन आशा छाड़ी दे। पितृबंधु खाली पचारे, अच्छा बापा भृत्यटी तीन थर जाक कौन एक ही स्थान में अटकी जाई एमती आचरण कर? हाँ आज्ञा, गोटाए बड़ शिलाखंड पाखे। तुम्हें पोताधन पाई कह पर जितेबले से पहुँची अटकी जीव ताकू ठेली दे तुम्हें से खोल धन मिल जा कहले वृद्ध। तरुण ताहा ही कले। चतुर्थ थर जह्नराति भृत्य अटकी आड़े कटमट कर अनाइवा मात्रे से ताकू ठेली दे से स्थान में खोलें और पेड़ीटी आविष्कार कले। धरी से बाट चलने को आरंभ करने मात्रे भृत्य अनुसरण कला एवं किसी समय पर कहला, बाबू तुम से बोझ कहीं बोहू मत दि। से पेड़ी आनी घरे थोला। कई दिन पर तरुण सहर को जाए पितृबंधु को कृतज्ञता जणाइला एवं प्रश्न कले, आज्ञा आम विश्वस्त परिचारकटी से भली आचरण करिबार कारण? बापा से गोटाए अति सरल मनीष,
ବୀତ ଉପରେ ଠିଆ ହେବା ମାତ୍ରେ ବୀତର ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତା ମୁଣ୍ଡ ବିଗାଡ଼ି ଦିଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ପୋତାଧାନ ନିର୍ଗତ ଶକ୍ତି ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୁଏ। ତା ଭିତରେ ତାହା ଅହମିକା ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ବାପା, ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ବୀତ ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ, ତେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ କରେ। ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲଗ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ଏତିକି ଯାହା ପାର୍ଥକ୍ୟ, ବୁଝାଇଦେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ପିତୃବନ୍ଧୁ। କଥାଟିର ସାରାଂଶ ହେଲା, ପ୍ରତି ବସ୍ତୁର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ମଣିଷ ବସ୍ତୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତା ଅଜାଣତରେ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତା ମାନସିକତା ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।